क्या हुआ? अरे 35 साल। हाँ, उनके बाद धीरे धीरे ये बहता रहा और गोबर आता रहा, मिट्टी जाती रही, ये बंद हो गया था। बंद हो गया था। फिर यहाँ परेशानी होने लगी तो यहाँ पे सब अपना सब कलकत्ता करंदा लग के उधर लकड़ी वाले इधर वाले सब करके सब ओके किया। किसी का नेता का नहीं, किसी का वो नहीं, ना मेरा है ना इनका, सबका है, चंदा का। सबसे पूरे लोगों मोहल्ले के लोग जी जी मोहल्ले के और उच्च में लकड़ी वाले चंदा। हम लोग कोशिश करके हाथ पे जोड़ के तब इतनी सफाई कराया, और के पहले साफ कराया तो हमने अंदर लोग आए थे, देखे भी थे, सहायता नहीं है। बच्चे लेने जाते हैं तो ऊपर कैसे चले? अरे कत्तो लोग मरे, ये बच्चे सामान लेने चले कैसे भेजे थे? किसी का ये 200 साल पुरानी पुलिया है जो अंग्रेजी पे अंग्रेजों के पीरियड की बताई जा रही है। यहाँ के निवासियों ने यहाँ पर चंदा लगा के उसको साफ कराया है, गोबर मिट्टी से भर गई थी और इस कारण कोई निकलता नहीं था यहाँ पर। अरे यहाँ पर अभी हवा उड़ी है कि ये 200 साल पुरानी सुरंग मिली है, क्या कहना है? कितना हवा दी है वो यहाँ का होएगा नहीं, वो यहाँ का होएगा नहीं, खाने पीने की चीज ढूंढ लोगा। तो ये पुलिया पहले चालू थी? हाँ, पहले थी, आज से 35 साल पहले, 35 साल के पहले चालू रही, चालू थी। तो आप इधर ये बोची ओची का गोबर ओबर इनमें पानी में बहते हुए? अरे 1970 में सब चल रही थी, हमें मेला चल रहा था, 70 तक चली है, 80 तक चली है, ये निकलने का रास्ता यही है जलालपुर। हम यहाँ से मेला देखने जाते थे फतेहपुर का, यहाँ आबादी नहीं थी पहले, पूरा फतेहपुर का सब इधर ही निकलता था, रास्ता भी रात भर चालू रहती है, रात भर चालू रहती है, समझे? और कोई नेता नहीं देखने आते कि कोई नेता देखे, 8-10 दिन का आदमी कट जाता है, बीमार हो गाड़ी 2-4 घंटा खड़ी रहती है। तो आप यहीं रहती हैं? क्या नाम आपका है? हमारा नाम कौशल्या देवी। अच्छा अच्छा, ये 30 साल पहले चालू रही लगभग, 30 साल पहले रास्ता था इधर से। तो अब सबने चंदा वगैरह लगा के इसको साफ करा लिया है? ये जनता की तरफ से साफ कराई गई है, सब चंदा लगा के साफ कराई गई है। अच्छा, आपका शुभ नाम क्या है? मोहम्मद आरिफ। अच्छा, यही जलालपुर के हैं? सबसे पहला कदम मैंने ही बढ़ाया था, उसके बाद ये चालू हुआ। चलिए, बड़ी अच्छी बात है। चंदा नहीं जरा था तो काम भैया दे दो, चाय पियाला दे दो।